तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक गायब है। आइए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की बैठक से कौन कौन विधायक गायब है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश पांडे की, जो नहीं पहुंचते हैं। अंबेडकर नगर से ये विधायक है जो कल बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, ये भी नहीं पहुंचते हैं। गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह नदारद रहते हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, ये भी नहीं आते हैं। कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, ये भी बैठक में एबसेंट रहते हैं। अमेठी से विधायक महाराजी देवी बैठक में नहीं आई। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है ये। कौशाम्बी से विधायक पूजा पाल, इनका भी नाम शामिल है ना आने वालों की लिस्ट में। और कौन कौन से नाम लिस्ट में है ये बता रहे हैं। सिरातू विधायक पल्लवी पटेल, तो ये वो नाम है, ये आठ वो चेहरे हैं, वो नाम है जो बैठक में नहीं पहुंचते हैं, जिसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर बीजेपी अपने सभी आठ उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है और अखिलेश यादव पर पर्याप्त विधायक नहीं होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रही है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने आठ प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब आठ प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे आठों प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहां के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों पर पूरा भरोसा है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और सभी बीजेपी उम्मीदवारों के जीत का दावा भी राजा भैया की तरफ से किया गया है। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके, अपना असेसमेंट करके आठ प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के आठों प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। उधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए आज वोटिंग होगी। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सिंघवी के सामने बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। आशंका यह है कि वोटिंग के पहले विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा यह किया है कि कांग्रेस विधायक अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे, तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा है। अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर किसकी जीत होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों पार्टी के उम्मीदवार और सियासी गणित को समझाते हैं। ये भी बेहद दिलचस्प हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में सीट एक है, उम्मीदवार दो हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता है, तीन बार पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। हर्ष महाजन की बात करें तो 2022 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हैं। वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी ये रहे हैं। तो ये दो उम्मीदवार जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, 35 वोटों की जरूरत है राज्यसभा जाने के लिए। यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव रोमांचक हो गया। चार राज्यसभा सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में होने से यहां चुनाव हो रहा है। कांग्रेस से तीन और बीजेपी से दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, तो ये कांग्रेस की कमजोरी भी रही है कि अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाती है। क्रॉस वोटिंग होती है, पार्टी के भीतर ही विरोध होता है और यही कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक में चार सीट पर पांच उम्मीदवार होने की वजह से चुनाव की नौबत आई। आपको ग्राफिक्स के जरिए उम्मीदवार और चुनावी समीकरण बताते हैं। कर्नाटक में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। तीन राज्य हैं, तीनों की लड़ाई अलग अलग है लेकिन उम्मीदवार ज्यादा है। अब देखिए, यहाँ पर चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, सैयद नासिर हुसैन है, जीसी चंद्रशेखर है, तो ये चार सीटें हैं लेकिन उम्मीदवार पांच है। बीजेपी जेडीएस उम्मीदवार संयुक्त उम्मीदवार जिसमें नारायणा कृष्णासा भांगे हैं और कुपेंद्र रेड्डी हैं, ये चुनावी मैदान में है। आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, इसी वजह से वोटिंग हो रही है क्योंकि चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार हैं
और एक सीट जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर है और ये देखना होगा कि यहां पर कौन राज्यसभा जाते हैं, चार विधायक कौन से राज्यसभा जाते हैं, तो यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है कर्नाटक की अगर हम बात करें। और इसी वजह से वोटिंग की जरूरत पड़ती है कि अगर उतने ही मैदान होते हैं, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से होता है, उतने ही उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्विरोध वो चुने जाते हैं। पीएम मोदी आज और कल दो दिनों तक केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में ही एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे के बाद तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे, जहां वो क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। दक्षिण के मिशन पर पीएम मोदी अंतरिक्ष केंद्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो अपने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरे को लेकर पीएम ने ट्वीट भी किया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट उन्होंने ट्वीट करके लिखा, दो दिनों 27 और 28 फरवरी को मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रहूंगा। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक, ये कार्यक्रम विविध क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम का क्या कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह 10:45 पर तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा पीएम मोदी करेंगे और उसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में ही दोपहर 12 बजे एक जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर तमिलनाडु के तिरुपुर में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम को 5:15 पर तमिलनाडु के मदुरई में डिजिटल मोबिलिटी पहल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम है, पीएम मोदी का केरल और तमिलनाडु के दौरे पर है और आज सुबह 10:45 पर उनके दौरे की शुरुआत होगी, जब वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 अमित शाह अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कलोल में कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करेंगे। इसके साथ ही गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में जाएंगे अमित शाह।